हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम आर्म्स एंड द मैन को एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया एक फेमस प्ले है, जो कि सबसे पहले अप्रैल 21, 1894 में परफॉर्म किया गया था। और इस प्ले के जरिए शॉ वॉर की जो फ्यूटिलिटी और ह्यूमन नेचर में जो हिपोक्रेसिस होती है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस प्ले को एक एंटी रोमांटिक प्ले भी कहते हैं, क्योंकि शॉ इसमें हम जो लाइफ को ड्रीम की तरह ट्रीट करते हैं उसे क्रिटिसाइज करते हैं। और शॉ के इस प्ले को हम एक कॉमेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि शॉ ने इसमें रोमांटिक लव और द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या वॉर को रिडिक्यूल भी किया है। शॉ के जो रोमांटिक लव की कॉन्सेप्ट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लव वो नहीं है जो कि रायना सोचती है फर्स्ट एक्ट में, कि उसका और सर्जियस का सोल एक हो गया है और वो आगे की लाइफ बहुत हैप्पीली बिताएंगे। उनका रिलेशनशिप दिखने में बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस तरह के लव को एक्चुअल लव नहीं कहते, क्योंकि इस तरह का लव फेरी टेल्स पर आधारित होता है। आर्म्स एंड द मैन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कॉन्वर्सेशंस में या तो रोमांटिक लव भरपूर होता है या तो होता ही नहीं है। और 20th सेंचुरी में क्या होता था, 20th सेंचुरी में लव से भी ज़्यादा पेरेंट्स की अनुमति और प्रेस्टीज और मनी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन प्ले में जो कैरेक्टर्स है वो इन नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाते हैं और उन कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जो कि उनके लिए सुइटेबल है। सो एक तरीके से देखें तो जो कैरेक्टर्स हैं वो उस रोमांटिक लव के कॉन्सेप्ट जिसको उन्होंने पहले से एडमायर किया था उसे छोड़कर एक ऐसे आइडिया को अपनाते हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल, प्ले की शुरुआत में ऐसा लगता है कि रायना सर्जियस से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब रायना ब्लंसली से मिलती है तब उसे ये एहसास होता है कि उसका और सर्जियस का प्यार तो बहुत सेलो है, उनका प्यार ज़्यादा प्रोफाउंड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि रायना सर्जियस के प्यार में इसलिए भी पड़ी क्योंकि सभी सर्जियस की तारीफ करते हैं और उसे एक ब्रेव हीरो मानते थे। और इसलिए भी रायना सर्जियस से प्यार करती थी क्योंकि रायना की माँ कैथरीन और उसके पिताजी पेटकॉफ वो भी ये चाहते थे कि अगर उन दोनों की शादी हुई तो उनकी फैमिली की प्रेस्टीज बनी रहेगी। दूसरी तरफ और एक कैरेक्टर लोका, जो कि रैना के घर पर काम करती थी, उसका निकोला के साथ एंगेज हो गया है, लेकिन फिर भी उनके रिलेशनशिप में लव नहीं है, बल्कि लोका तो एक हायर रैंक के बंदे के साथ शादी करना चाहती है और उसके लिए रोमांटिक लव की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और इसलिए लोका सर्जियस के साथ रिलेशनशिप में रहती है। और लोका और सर्जियस का जो रिलेशनशिप है वो सोसाइटी के कन्वेंशंस को नहीं मानता। और उसी तरह ब्लंसली और रैना की भी जो पहली मुलाकात थी वो भी बहुत अनयूजुअल थी, क्योंकि वो सीक्रेटली एक रूम में मिलते हैं और ब्लंसली, जो कि असल में एक प्रैक्टिकल और क्राफ्टी सोल्जर है, वो सभी को शॉक कर देता है जब वो ये डिस्क्लोज करता है कि वो तो एक रोमांटिक है। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड द मैन एक परफेक्ट एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, क्योंकि यहाँ पर शॉ ने अपने इंटेलिजेंस और ह्यूमर का यूज़ करके वॉर और लव की जो कॉन्सेप्ट थी उसे रिजेक्ट करके एक्चुअली में वॉर और लव क्या है उसे दिखाया है। सो एक तरीके से देखें तो ये प्ले एक कॉमेडी होने के साथ साथ इस प्ले के जरिए शॉ ने एक सीरियस मैसेज भी दिया है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।